स्वागत है दोस्तों वंस अगेन टू दी वन एंड ओनली चैनल राजीव पाव ब्लॉग राइट बेगल में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज कुछ स्पेशल डे होने की वजह से आज थोड़ा वीडियो वगैरह मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्रेजेंटली जैसे कि लास्ट वीडियोस वगैरह में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ होम सीरीज वगैरह आप लोगों को अपलोड करूँगा, तो डेफिनेटली वो वीडियोज़ वगैरह मैं प्रिपरेशन में हूँ। और आज जो है कुछ स्पेशल डे भी है, इसकी वजह से मैं आज वीडियोस वगैरह कर रहा हूँ। तो प्रेजेंटली मैं अभी हूँ टेक्नो इंडिया स्कूल के कंपाउंड एरिया में, लेफ्ट साइड में देखिए। तो अभी मेरे साथ में है रियांश, ठीक है, और साथ में मैनी भी है। मैनी कुछ घास खा रहा है, नहीं नो कम लेट्स गो। सो फ्रेंड्स मैनी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज 13 अप्रैल है जो कि बहनी का 2 ईयर्स पहुंच गया है आज के डेट में। तो इट्स बहनी हैप्पी बर्थडे। सो लास्ट मीटिंग जब हुआ था उससे आज तक 23 डेज कंप्लीशन हो गया है। तो जैसे अपीयरेंस में क्या चेंजिबिलिटी आया हुआ है तो दिखा देता हूँ बहनी। नो सो फ्रेंड्स यू कैन हैव अ लुक मेजर चेंजेस तो इतना नहीं दिख रहा है बेनी का, जो निपल्स वगैरह है स्टेप थोड़ा एनहांस हो गया है जैसे कि होना चाहिए। और ये कलर्स वगैरह जो है वगैरह यू कैन सी पिंकी टाइप के दिख। तो ये वहाँ देखिए वहाँ से कुछ और डॉग्स आ रहा है, तो बहनी थोड़ा देख रहा है थोड़ा एक्साइटमेंट में। देखिए बहनी का पी रहे हैं हर लुक, क्यों बहनी बड़ा बहन वहाँ देखिए वो दूर से हूँ इन 23 डेज जैसे कि मैंने बताया बहनी का मैटिंग प्रोसेस के दौरान। तो इस दौरान का कुछ लास्ट टाइम मैंने जो बताया था लास्ट टाइम जब वीडियोज वगैरह अपलोड किया था तो हैड बीन 6 डेज, तो अभी 23 डेज हो गया। तो बहनी का ये विद इन 20 डेज तक जो है बहनी को थोड़ा मैं रिस्ट्रिक्शन में रखा हुआ था। आप लोग भी अगर न्यू ओनर्स है फीमेल ओनर अगर मेटिंग करवाते हैं तो आप काइंडली उस दौरान आप फीमेल वगैरह को थोड़ा लीज वगैरह लगा के रखिएगा। ये नहीं है कि टोटली आप लीज लगाए, क्योंकि देखिए मैटर ये भी होता है कि स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में जब आप लोग मीटिंग करवाते हैं तो उसका रेगुलर जो हैबिट्स वगैरह जो होता है तो वो रेगुलर हैबिट वगैरह उनका जो रूटीनल जो है उसमें अचानक से ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, क्योंकि इस ये चलते फीमेल वगैरह जो होता है थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। तो धीरे धीरे करना है, जैसे कि बहनी का जो है उनका थोड़ा लीज वगैरह लगाने का भी इनका हैबिट्स है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा मैंने लेंदी कर दिया। तो लीज वगैरह करके ही रखा हूँ, ये नहीं कि मतलब कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक ऐसा लीजिंग करके रखा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत हैबिट्स है लीज में रहने का, तो उसमें थोड़ा मैंने ड्यूरेशन थोड़ा लंबा कर दिया है। एज यूजल उनका जो है फूडिंग शेड्यूल वगैरह जो है तो बहनी का एज यूजल खाना जो पहले खाता था वही चीज़ मैं प्रोवाइड किया हूँ बहनी को, उसमें चिकन और राइस जो था रेगुलरली वो खिलाया हूँ नाइट टाइम में। लेकिन हाँ टेम्परेचर जो फूड टेम्परेचर जो है थोड़ा कूल करके दिया हूँ, और मॉर्निंग टाइम में या तो पेडिगी कभी खाता है मॉर्निंग में कभी नहीं खाता है बहनी का ऐसा हैबिट है, तो नहीं डे टाइम में जो होता है उस टाइम बहनी को पेडिगी जो है जो एडल्ट फूड जो है बहनी का वो खिला रहा हूँ, ठीक। तो यही शेड्यूल चल रहा है अभी भी फिलहाल, आपका मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह जो है वो एड ऑन।
करते जा रहा हूँ अभी भी, ठीक है, सप्लीमेंट्स वगैरह। और रिसेंटली मैं थोड़ा लिवर टॉनिक वगैरह भी थोड़ा ऐड कर दिया वहीं, क्योंकि अभी वहीं स्टार्टिंग टाइम मीटिंग करने के बाद में वहीं क्या है कि खाना बहुत हैवी खाना शुरू कर दिया था, तो इसका जैसे कि उस टाइम ग्रोथ भी हो गया था, ज़्यादा वेट गेन भी कर दिया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा डाइटिंग के लिए उसका थोड़ा कंट्रोल करके भी खाना वाला दे रहा था। बट अदरवाइज न्यूट्रिशन जो कंटेंट है उसमें मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी है, मल्टीविटामिन कैल्शियम और जो भी है फूड्स का जो क्वालिटी है उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट करके दिया, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना जो है कम दूँ लेकिन कंटेंट जो है उसको सही मिले। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये चीज़ करवा रहा हूँ अभी भी फिलहाल भी, तो मैंने कहा ये डाइट वगैरह रेगुलरली चलता रहेगा। अभी जो डाइटिंग में है अभी 28 तक जो है उनका थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग से अभी तक में जो रेगुलरली मैं चलाते रहूँगा, जो ग्रुप शेड्यूल है वो वैसे ही चलाते रहूँगा। हाँ, बट उसकी इंग्रेस होने के बाद 30-35 के डेज में बाद में मैं थोड़ा उसको फूड का जो कंटेंट है, जैसे कि अभी एडल्ट फूड चल रहा है तो उसमें मैं स्टार्टर वगैरह ऐड करूँगा, ठीक है। तो उसके आयरन वगैरह भी 35 डेज के बाद जब बहनी का टोटली कंसीव हो जाएगा तो बहनी का बाहर से फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दिखने शुरू हो जाएगा, लगेगा कि हाँ यह टोटली कंसीव कर चुका है, तब से मैं उसको आयरन वगैरह सिरप्स जो है वो भी मतलब शुरू करना। मैं एसआईटी को वहाँ पे, तो आपको यहाँ का जूस वगैरह भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। देखिए बैक साइड में देखिएगा, ब्यूटीफुल एरियाज है, पूरा कंपाउंड एसआईटी सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये देखिए रिहान पीछे बैठा हुआ है, साइकिलिंग करने आता है सुबह सुबह मेरे साथ में, पहली के साथ में, वॉक के साथ में। और फ्रेंड्स हाँ, ये चीज़ है, वॉक करवाइएगा इस दौरान डॉग्स वगैरह को, लेकिन रनिंग मत करवाइएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान रनिंग करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है फ्यूचर में, मिसकैरेज वगैरह हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ वगैरह डे टाइम में जो भी है पहनी को, अभी समर टाइम है तो दही वगैरह भी रेगुलर दे रहा है, क्योंकि बॉडी वगैरह ज़्यादा हीटिंग नहीं करना चाहिए, तो उनको कूलिंग टेम्परेचर रखने के लिए उसको कूल चीज़ वगैरह जैसे कि दही इज़ द बेस्ट, तो ये दे रहा है। तो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियोज़ वगैरह, तो आपको वीडियो वगैरह अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय। Happy birthday, boyini. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, boyini. Clap, 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 clap.